हेलो गाइज, मैं विकास आपका दोस्त स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडियन क्रिप्टो आईसी में। गाइज, बेबी डोज के रिगार्डिंग आप लोग बहुत हल्ला करते थे कि इसमें बर्निंग नहीं हो रही है, बर्निंग नहीं हो रही है। लो भाई, बेबी डोज ने बर्निंग कर दिया। इसकी प्राइस कहां तक बढ़ी आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, और बेबी डोज के इन्वेस्टर आर ऑल्सो लॉस, कब उनको प्रॉफिट होगा आज की वीडियो में बात करेंगे, और बेबी डोज कितना बर्न हुआ है और बुल रन का ये किंग साबित हो सकता है, ये बात सही है क्या, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जो एक्स पे मीटिंग हुई उसको लेकर बात करेंगे। वजीर एक्स के बारे में बात करने वाले हैं, और सिबा इनू से करोड़पति बनने के लिए कितना पैसा निवेश करना होगा सिबा में, उसको लेकर बात करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं यहां क्रिप्टो के रिगार्डिंग छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट्स देता रहता हूं। गाइस, सबसे पहले अगर जो हम बात करें यहाँ पे मार्केट को लेकर, तो मार्केट आप देख सकते हैं कि 2.1 ट्रिलियन डॉलर पे ट्रेड हो रहा है। और बीटीसी को लेकर अगर जो बात कर ली जाए तो बिटकॉइन 59,165 डॉलर पे ट्रेड हो रहा है। इथेरियम को लेकर बात करें तो 2646 डॉलर पे चल रहा है। एक्सआरपी की बात करें तो 0.57 डॉलर पे चल रहा है। यहाँ पे आप एक्सआरपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आने वाले समय में एक्सआरपी एक बड़ी अचीवमेंट जो है, बड़ी प्राइस आपको दिखाने वाली है। बीएनबी को लेकर बात कर ली जाए तो 522 डॉलर पे ट्रेड हो रहा है। सोल को लेकर बात करें तो एक बार फिर ये आपको 146 डॉलर पे देखने को मिल रहा है। तो गाइज, ये मार्केट की कंडीशन है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा साइडवे होते हुए दिख रहा है, तो यहाँ से चांसेस हैं कि एक बड़ा वीक नीचे की तरफ जरूर लेगा। जिस प्रकार से जो है ये बिटकॉइन कुछ दिनों से चल रहा है, मार्केट में भले ही पॉजिटिव न्यूज आ रहे हैं फिलहाल, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी डंपिंग देखने को मिल सकती है। तो फ्यूचर ट्रेड वाले थोड़ा सा अलर्ट रहें, और जो लोग स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पे आप एक्युमुलेट कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी प्राइस आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जैसे जैसे प्राइस नीचे जा रहा है। तो चलिए बिना देर करते हुए बढ़ते हैं बेबी डॉज की तरफ। गाइस, बेबी डॉज 2021 की बुलरन में कुछ बड़ा नहीं कर पाई थी। 2022 में ये अपना ऑल टाइम हाई बनाया था बेबी डॉज क्वाइन ने। बेबी डॉज क्वाइन के बारे में हम आपको बताएं इसकी बेसिक डिटेल। अगर हम बेबी डॉज की करंट प्राइस के बारे में बात करें तो पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम जीरो इंडियन रुपीज में, और 8 टाइम जीरो जो है वो डॉलर की प्राइस में चल रहा है। और आज के डेट में ये 2% का जो है पंपिंग भी दिखा रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है। मार्केट कैप को लेकर बात कर ली जाए तो मार्केट कैप 150 मिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुका है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी अगर जो देखी जाए तो 151 क्वाड्रिलियन आपको क्वाइन गीगो पे, और 143 या 144 के लगभग क्वाड्रिलियन यहां पे आपको क्वाइन मार्केट पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये डाटा थोड़ा अलग अलग है ये अपने अपने एक्सचेंज का। तो यहां पे जो बेसिक डिटेल थी मैंने आपको बता दिया, और ये अपना ऑल टाइम हाई 2022 में बनाया था, जिसमें जीरो की संख्या 8 ही थी, लेकिन अगर जिस श्रेणी की बात कर ली जाए तो ये लगभग 6 की श्रेणी में जो है चल रहा था 2022 में। तो यहाँ पे इन्वेस्टर जो है बहुत हताश हैं, निराश हैं बेबी डॉज क्वाइन से, क्योंकि बहुत सारे मीम टोकन की बात कर ली जाए, फ्लॉकी की बात कर ली जाए, बोंग की बात कर ली जाए, पेपे की बात कर ली जाए, यहाँ तक कि सिबा की बात कर ली जाए, तो जो अभी आपका बिटकॉइन हालविंग हुआ था उसके बाद बिटकॉइन ने जिस तरीके का मूवमेंट दिखाया था, तो वहाँ पर बहुत सारे मीम क्वाइन ने जो है अपने निवेशक को प्रॉफिट दिए थे, कुछ परसेंट वहां पे पंप किए थे, लेकिन बेबी डॉज क्वाइन जो है वो कहीं ना कहीं निचले पैदान पे अभी भी पड़ा हुआ है। तो यहां पे हम पहले टॉपिक पे बात करेंगे कि बेबी डॉज इन्वेस्टर आर आल्सो लॉस व्हेन प्रॉफिट। गाइस, यहां पे मैं आपको बता दूं कि बेबी डॉज टोकन अगर जो 2022 या फिर एक मीम क्वाइन होने के नाते अगर जो देखा जाए तो एक बड़ा प्रॉफिट अभी तक अपने निवेशक को नहीं दिया है। जिस प्रकार से इसकी जो है मार्केट कैप है और लोग इसके प्रति जुड़े हैं, इसका होल्डिंग है और इसका गेम वगैरह है, मार्केट में दबदबा है सोशल मीडिया पे, उस तरीका का प्रॉफिट बेबी डॉज ने अभी तक निवेशक को नहीं दिया है। तो एक बड़ा अचीवमेंट आपको इस वाले बुलरन में बेबी डॉज के रिगार्डिंग देखने को मिल सकता है। तो आप अगर जो पहले से इसमें जो है निवेश करके फंसे हुए हैं या फिर रुके हुए हैं तो आप यहाँ पे अभी रुके रहिए, यही आपके लिए एक चांस है। और जो लोग नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार खुद से भी रिसर्च कर लीजिएगा,
क्योंकि ये एक मीम टोकन है गाइज, और मीम टोकन में उतना ही निवेश करें कि आगे आने वाले समय में अगर ये स्कैम भी हो जाता है, भाग भी जाता है और किसी प्रकार से ये जो है यहाँ से शटडाउन हो जाता है, तो आपको उतना जो है लॉस न हो कि आप जो है अपनी मानसिकता खो दें। तो ऐसे टोकन में थोड़ी बहुत अमाउंट ही इन्वेस्टमेंट करें तो ही बेहतर है। तो आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा इन सभी चीज़ों पे अगर आप पहलू करते हैं, डालते हैं नज़र कि जो है इतना बड़ा टोकन होने के बावजूद एक बड़ी प्रॉफिट अभी तक नहीं दी है, तो यहाँ से जो है आपकी जिज्ञासा जो है जग जाती है। तो आप अभी रुके रहिए, आपको प्रॉफिट होने के चांसेस हैं बेबी डॉज क्वाइन में। अभी बहुत बड़ी नई नई गेम भी आई हुई है बेबी डॉज की। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी बर्निंग के ऊपर, जो कि सबसे जो अहम मुद्दा है आज की इस वीडियो का बेबी डॉज के रिगार्डिंग। तो बेबी डॉज में बर्निंग को लेकर अगर ये बात कर ली जाए तो यहाँ पे लगभग 4965 डॉलर की बर्निंग हुई है जो इथेरियम चेन पे है, और ये क्वांटिटी लगभग 4.7 ट्रिलियन यहाँ पे टोकन जो है बेबी डॉज के बर्न कर दिए गए हैं। गाइज यहाँ पे सप्लाई देख सकते हैं, यहाँ पे 151 क्वाडिलियन में है और बर्निंग ट्रिलियंस में हो रही है, तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ें नहीं हो सकती है। थोड़ा बहुत भी इम्पेक्ट बेबी डॉज के प्राइस पे नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत ही छोटी रकम है, आप जान सकते हैं कि 151 क्वाडिलियन कहाँ है और आपको जो है ये 4.7 ट्रिलियन बर्निंग हो रही है ये कहाँ है। तो बर्निंग इनको जो है बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा तभी जाकर जो है चीज़ें कुछ पॉजिटिव देखने को मिल सकती है बेबी डॉज में। ये लॉलीपॉप चूसने से या फिर निवेशक को चूसाने से काम नहीं चलने वाला है बेबी डॉज टीम। यदि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं निवेशक के प्रति, तो आपको बर्निंग पे विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी प्राइस की इंक्रीजमेंट सिर्फ और सिर्फ बर्निंग पे ही रुकी हुई है। जब तक आप बर्निंग नहीं करेंगे आपका प्राइस कभी नहीं बढ़ने वाला है, ये चीज़ आप ज़रूर जानते हैं और मैं अपने यूजर को भी बता देना चाहता हूँ। तो आप ऐसे टोकन में एक बड़ा अमाउंट लगा करके बिल्कुल न फंसे, एक छोटी अमाउंट लगा दीजिए। तो गाइज यहाँ पे इसकी बर्निंग को लेकर मैंने बताया आपको कि कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बुल रन्स ऑफ किंग बेबी डॉज क्वाइन इज दिस ट्रू, क्या ये सही है। तो गाइज मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में ही बता दिया हूं कि बेबी डॉज जो है अभी तक अपने निवेशक को कुछ बड़ा करके नहीं दिया है। तो 2025 का जो बुलरेन है बेबी डॉज यहां पे कुछ अच्छा करता हुआ नजर आए, और 2021 की बुलरेन में ये कुछ बड़ा नहीं किया था, बुलरेन के एक साल बाद जो है अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तो मे बी चांसेस है कि 2025 को छोड़ करके 2026 में भी ये कुछ कर दे, तो भी जो है निवेशक यहां पे बिल्कुल खुश रहेंगे। तो आप जो है ऐसे टोकन में इन्वेस्ट करके अभी लॉस में है तो रुकिए, मैं तो आपको यही जो है सलाह दूंगा। और इस वाले बुलरन में बेबी डॉज यहां पे एक बड़ी बाजी मारते हुए नजर जरूर आ सकती है, जिस प्रकार से इन्होंने अपडेट्स दिया है, जिस प्रकार से मार्केट में जो है अपना दबदबा बना करके रखे हैं एक मीम क्वाइन के नाते, तो यहां पे आप जरूर रुके रहिए अभी। अब हम बात करते हैं एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। गाइस बता दें कि जो है अमेरिका में बहुत जल्द चुनाव है और ट्रंप बार बार क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहे हैं, बिटकॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे जब ये एक्स पे यानी ट्विटर पे मीटिंग हुई, इन दोनों की कन्वर्सन हुई, तो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिटकॉइन की प्राइस जो है बहुत तेजी गति से भागने वाली है, लेकिन इन दोनों के कन्वर्सन लगभग 1.5 से 2 घंटे चली, लेकिन क्रिप्टो को लेकर वहाँ पे थोड़ी बहुत भी जिक्र नहीं हुआ। गैज बहुत सारी चीज़ें हैं क्रिप्टो को छोड़कर भी, क्रिप्टो के बारे में तो हर समय वो बात करते ही हैं, लेकिन जो लोग एक्सपेक्ट किए थे उनका तो पूरी तरीके से दिल टूट गया है। लेकिन ये चीज़ें कुछ समय के लिए ही था, आने वाले समय में अगर ये चुनाव जीतते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो 100% जो है ये क्रिप्टो को, बिटकॉइन को जो है सपोर्ट करने वाले हैं। वहीं पे आगे हम बात करेंगे वजीरेक्स को लेकर। अगर जी वजीरेक्स के बारे में बात कर ली जाए तो लगभग 27 से 28 दिन हो चुके हैं स्कैम हुए, लेकिन वजीरेक्स की टीम जो है वो पूरी तरीका से स्लीपिंग मोड में चली गई है। जैसे कि हम लोग बारिश के समय में अपने मोबाइल को एयरप्लान मोड में डाल देते हैं बिजली के डर से, उसी प्रकार से यहाँ पे स्कैम हुआ है, लेकिन निकोल सेटी जो इनके CEO हैं, फाउंडर हैं, वो कहीं ना कहीं छुप गए हैं, और इनके जो निवेशक हैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे बुलरन के रिगार्डिंग, उनका बुलरन पूरी तरीका से बर्बाद कर दिए हैं। वजीरेक्स टीम आप जो है बहुत जल्द इस पे एक्शन लीजिए, बहुत सारे निवेशक का जो पैसा है वो उस स्कैम में चला गया है, तो आप इस पे विशेष ध्यान देकर उनकी रिकवरी जरूर कराएं। बहुत सारे मेरे भाई लोग भी जो हैं, मेरे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर लोग भी जो हैं, ट्विटर वाले जो हैं, वो बहुत जो है ट्वीट कर रहे हैं, एक मुहिम चला रहे हैं वजीरेक्स के रिगार्डिंग, तो हम भी वहाँ पर सपोर्ट करते हैं, आप लोग भी
खुल करके सपोर्ट कीजिए। जिस प्रकार से भी आपको ट्वीट्स देखने को मिले उसको आप रीपोस्ट कीजिए, रीट्वीट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और जो लोग वजीर एक्स में अकाउंट था, जो लोग वजीर एक्स में इन्वेस्ट किए थे, लॉस में हैं और उनका स्कैम हो गया है आपका क्रिप्टो, तो आप जो है सोए मत रहिए, आप ट्विटर पे एनी टाइम एक्टिव रहिए। मेरा भी ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब शिबा इनू के बारे में बात करते हैं। शिबा इनू के बारे में हम आपको बताएं कि शिबा इनू से करोड़पति बनने के लिए कितना पैसा लगाना है। इसके रिगार्डिंग मैंने पहले एक वीडियो दिया था, लेकिन उस समय प्राइस कुछ और था, लेकिन आज के समय में प्राइस क्या है हम इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और वहां पे आपको बताएंगे कि शिबा इनू से करोड़पति बनने के लिए कितना पैसा निवेश करना पड़ेगा और क्या सच में ये करोड़पति बना देगा मीम कॉइन, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त विकास को इजाजत दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।